भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्योंकि श्रीकांत के पास जिसकी फाइल है वो मैं जानता हूं। किसकी? तुम्हारी। अर्चना की फाइल? हाँ, उसने वो फाइल मुझे दी। भैया, वो फाइल दिखाइए मुझे प्लीज। ओह माय गॉड, यानी श्रीकांत के पास जो फाइल थी वो किसी और की नहीं, मेरी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन भड़का रहा है श्रीकांत को हम दोनों के खिलाफ। श्रीकांत ऐसा इंसान नहीं है। मैं तो खुद परेशान हूँ कि जो रेनू से इतना प्यार करता था उसे क्या हो गया है। मैं क्लिनिक फोन करता हूँ, जरा पता कराने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या हो रहा है। हेलो हेलो डॉक्टर, मैं राहुल बोल रहा हूँ, अर्चना का भाई। कहिए। देखिए, अर्चना ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं करवाया ये तो आपने बता दिया, लेकिन क्या आपके पास कोई रेनू नाम की लड़की आई थी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाने के लिए? रेनू जी, देखिए मेरे क्लिनिक में ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं और लगभग सब पेशेंट्स के नाम मुझे याद रहते हैं, लेकिन किसी रेनू नाम की पेशेंट ये नाम मुझे याद नहीं। डॉक्टर, इस वक्त मेरे पास रेनू और अर्चना उन दोनों की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की रिपोर्ट्स हैं और वो भी आपके क्लिनिक के लेटरहेड्स पे, तो ये कैसे हो गया? जी नहीं, ये गलत है। किसी ने मेरे क्लिनिक को बदनाम करने के लिए चाल चली है। मुझे लगता है किसी ने मेरे क्लिनिक से लेटरहेड्स चुरा कर उन पर गलत रिपोर्ट बनाई है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक्स। इस वक्त उस आदमी के खिलाफ मेरे पास सबूत नहीं है, नहीं तो मैं उसे नहीं छोड़ता। आप किसकी बात कर रहे हैं? विश्वजीत की। विश्वजीत? पहले अर्चना के खिलाफ घिनौना इल्जाम लगाता है, फिर झूठी फाइल पैदा करता है, मेरे पास भिजवाता है, ये सब उसी की चाल है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा उसने तुम्हारे खिलाफ ऐसा क्यों किया। क्योंकि रेनू थोड़ी सी मुंहफट है, विश्वजीत के साथ बहुत बार झड़प भी हो चुकी है उसकी। विश्वजीत तो चाहता ही नहीं था कि मेरी इसके साथ दोस्ती रहे, बहुत बार मुझसे कह चुका था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और फिर उसने सोचा होगा कि ऐसा घिनौना इल्जाम मुझ पर लगा रहा है, एक ही है जो मुझे सपोर्ट करेगी, इसलिए सोचा होगा एक तीर से दो निशाने लगा सकता हूँ। डोंट वरी अर्चना, अगर उसने ऐसा किया है तो मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। श्रोताओं, भाइयों और बहनों, हमारे इस प्रोग्राम में उन पांच गुमशुदा लड़कियों के बारे में छानबीन चल रही है। पिछले साल जो लड़की शुभांगनी एयरपोर्ट से गायब हुई, उस लड़की के बारे में सुरेखा उर्फ मिताली नाम की औरत ने हमें फोन पर काफी सारी जानकारी दी। हमारी मुलाकात तय तो हो चुकी थी, लेकिन उसी रोज एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। ये कार एक्सीडेंट एक हादसा ना होकर साजिश लगती है। इस साजिश का शिकार बनाया गया है एक बहुत ही बेकसूर और मासूम औरत मिताली को। शायद उसी की मदद की वजह से हम एक बहुत ही बड़े गिरोह को पकड़ सकते थे। तो दोस्तों, हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि 22 जून वीआईपी रोड पर ये दुर्घटना अगर किसी ने भी देखी हो और हमें कुछ जानकारी देना चाहता हो तो इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारी मदद करने के लिए हमारा नंबर नोट करें, 8360092, 8369255, 8369254। धन्यवाद। देखो अर्चना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी, झूठ बोल बोल कर मैं तो तंग आ चुकी हूँ। कभी तुम्हारे भाई यहाँ आ जाते हैं तो कभी तुम्हारे हस्बैंड, कोई यहाँ आकर चीखता चिल्लाता है तो कोई यहाँ वहाँ चीज़ें फेंकते हैं। तुम पर इतना प्रेशर नहीं है जितना कि मुझ पर है। कभी कभी तो मैं सोचकर पछताती हूँ कि इस क्लिनिक में मैंने तुम्हारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया ही क्यों। आई एम सॉरी, लेकिन मैं देखिए डॉक्टर प्लीज, आपको बस थोड़े दिन और ये सहना पड़ेगा प्लीज डॉक्टर, उसके बाद आपको झूठ बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
थोड़े दिनों में सारा मामला ठंडा हो जाएगा, फिर ना कोई आपको तंग करेगा ना मुझे। देखिए, जैसा मैंने फोन पर बताया था, आप प्लीज वैसा ही सबको बोलते रहिए। अगर कोई भी आपसे पूछे कि मैंने या रेनू ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाए है कि नहीं, तो प्लीज आप उन्हें यही कह दीजिएगा कि हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। देखिए डॉक्टर, बस थोड़े दिनों की बात और है, थोड़े दिन और मेरा साथ दीजिए प्लीज प्लीज डॉक्टर। इतना बड़ा जासूस, अल्लाह खुद को पकड़वाया, हमको फंसाया। अरे चुप, धमकी, पुलिस स्टेशन में धमकी, उधर हमारा अड्डा पर आया, हमारा पैर पर डाउन होकर माफी मांगा, धमकी। अरे भाई साहब सुनिए ना, भाई साहब सुनिए ना जरा, हेलो सुनिए ना। अरे बाबा मैं इनमें से नहीं हूँ, सुनिए ना, मैं इनमें से नहीं हूँ। तो लगता है तेरा अलग ग्रुप है, क्या है तेरे गिरोह का नाम? अरे बाबा मैं आतंकवादी नहीं हूँ, नहीं हूँ, बोल बोल के थक गया, गला गया मैं। अरे यहाँ जो भी आता है यही बोलता है, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो चुप। अरे सुनिए ना भाई साहब सुनिए, बोल बोला ना, चुप मिरंडा बेटा। तेरा साथी तेरा शकल नहीं पहचानता, पुलिस का आदमी बनता तुमने हमसे गद्दारी किया, तुमको सजा मिलता। गद्दारी करता है, अपने आप को आईने में देखकर पहचान नहीं पाएगा, समझा क्या? अरे तुम लोग बहुत बोलते हो। अरे जैसे ऐसे लगता है जैसे नेता हो ये सब, लक्षण में हारे हुए नेता। कुछ ज्यादा, अरे कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। हेलो देखिए मैं 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 ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, इस देश का सम्माननीय नागरिक हूँ। चुप रहता या डंडा दिखाऊं? चुप कर, डंडा मार कर टंडे कर देगा तेरे को। ए तू भी चुप कर, बहुत बोलता है, रात को तेरे को भी देख लेगा। एक बार मैं यहां से निकल जाऊंगा, देखना तुम, सबकी छाप दूंगा मैं। क्या? अरे तस्वीरें मैगजीन में, फिर पता चलेगा, सबके बारे में लिखूंगा, पता चलेगा मैं कौन हूँ, समझे? चल तो तू अपने गिरोह का आदमी लगता है बॉस, लेकिन है पुलिस वाला। ये भगवान कहां फंस गया मैं, पुलिस वाले आतंकवादी समझते हैं और आतंकवादी पुलिस, अब मैं क्या करूं? मर गया मैं तो। नमस्ते जी। नमस्ते, हाँ बोलिए जी, मैं मेघा हूँ, मैं रेडियो स्टेशन पर। अच्छा अच्छा, तो आप ही हैं जो गुमशुदा लोगों के लिए प्रोग्राम बना रही हैं? जी, दरअसल मैं उसी सिलसिले में आपसे मिलने आई थी। ये जो मिताली का केस हुआ है उसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी रखते हो तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। देखिए हम कोशिश तो कर रहे हैं, हमारी छानबीन भी जारी है, अगर कुछ पता चलता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। जी, दरअसल ये जो शुभांगनी है जो गायब हो गई है उसके बारे में ये मिताली कुछ जानकारी रखती थी, वो मुझे सबूतों के साथ मिलने वाली थी तो ये हादसा हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये एक हत्या है जिसे एक्सीडेंट का रूप दिया जा रहा है। देखिए मैडम, हमारे सामने तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ अगर कोई शक या सुराग हमें मिलता है तो हम आपको जरूर खबर करेंगे। वैसे एक बात बताइए कि जो काम शहर की पुलिस नहीं कर सकी, जिस केस को सॉल्व करने में सीआईडी तक नाकाम रही, उस केस के पीछे पड़कर आपको लगता है कि कोई फायदा, आई मीन आर यू श्योर की? देखिए अगर मिताली की मौत नहीं होती तो शुभांगनी के गायब होने का राज खुल जाता। वेरी गुड, ठीक है, हमसे जो भी मदद होगी हम वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। मैं चलूं? जी हाँ। हेलो, विश्वजीत को फोन दो, मुझे बात करनी है उससे। भैया से? हाँ भैया से बात करनी है मुझे उनसे, मेरे पास वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। हेलो, आपको याद होगा
एक बार आपको मुझसे बात करनी थी और आपने मुझे एक जगह बुलाया था। हाँ तो आज मुझे आपसे बात करनी है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं आप मुझे उसी जगह पर आकर मिले। ठीक है, मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आज फैसला हो ही जाए। जंगल नहीं है समझा, अगर एक भी शब्द बोला तो अंदर आके दो लगाएगा। ऐश के साथ सो नहीं सकता, तेरे बेटे की बारात है यहाँ, जिसके साथ नहीं सो सकता। बात मत कर, मैंने तुम्हें यहां बुलाया इसलिए बेहतर यही होगा कि बात मैं करूं। यही है ना तुम्हारा सवाल? इससे साबित करना चाहती हूं ना कि अर्चना ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया। अरे इस फाइल की सारी पेपर्स देखने के बाद तुम्हें और सबूत चाहिए? क्या हो गया है तुम्हें राहुल? यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हें क्या हो गया है? अर्चना ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतना गिर सकते हो, इतना गिर सकते हो कि झूठी रिपोर्ट्स बनाओगे? झूठी? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। अरे ये श्री विद्या क्लिनिक के लेटर हेड्स पर उनकी बनाई हुई रिपोर्ट्स हैं। दिख रहा है मुझे, और साथ में ये भी दिख रहा है कि इसके पीछे क्या क्या हुआ है। हा? श्रीकांत की तरह बेवकूफ नहीं हूं मैं। ये रिपोर्ट्स देखने के बाद मैंने खुद डॉक्टर से बात की। तो क्या तुम्हारा पोल खुल गया? डॉक्टर ने खुद मुझसे कहा कि क्लिनिक को बदनाम करने के लिए ऐसी रिपोर्ट्स बनती। क्या मतलब? ये श्री विद्या क्लिनिक के लेटर हेड्स पे रिपोर्ट बनवाई गई है। किसी ने पैसे खिलाकर लेटर हेड्स को चुरवा के ये रिपोर्ट्स बनाई, और किसी और ने नहीं, ये तुमने किया। राहुल कोई सबूत नहीं है इस वक्त मेरे पास, नहीं तो अभी अरेस्ट करवा देता तुम्हें। सबूत नहीं है तो उसे ढूंढो, और अगर नहीं मिले तो अपनी उस बहन से कह दो, वो ढूंढ निकालेगी। अरे जो लड़की तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध सकती है, जो तुम्हें सच्ची रिपोर्ट्स को झूठी समझने पर मजबूर कर सकती है, वो तो कुछ भी कर सकती है ना। दरअसल बेवकूफ मैं हूं कि मैं उसे पहचान नहीं सका। गोपाल जी को देखकर मैंने तो यही सोचा था कि उनकी औलाद भी संस्कारी होगी, लेकिन हाँ हाँ सारे संस्कार तो आप में है ना, आपको यही सिखाया गया है ना, किसी दूसरे की बहन को जलील करो, उस पर हाथ उठाओ और धक्के मारकर उसे घर से निकाल दो। अगर किसी ने आपकी बहन के साथ ऐसा किया होता तो, अगर मैंने आपसे कहा होता कि आंचल के पेट में मेरा नहीं किसी और का बच्चा है, राहुल आवाज नीचे रखो तुम, अपनी बहन के बारे में ऐसा सुन भी नहीं सकते। मुझे अपनी बहन के साथ ऐसा होते हुए देखना पड़ा, लेकिन अब इस सब का मुंह तोड़ जवाब दूंगा मैं, मुंह तोड़ जवाब। जवाब तो मैं तुम्हें दूंगा, और वो ऐसा कि तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। भैया क्या हुआ? भैया बताइए ना, क्या क्या हुआ? बहुत हो गया है, अब बहुत हो गया है।
मैं और सहन नहीं कर सकता। हुआ क्या भैया? राहुल ने आपको क्यों बुलाया था बताइए ना। क्यों बुलाया था? मुझे जलील करने के लिए, मुझे झूठा साबित करने के लिए। तुम्हें पता है उस श्री विद्या क्लिनिक की, उसके पास दो दो असली रिपोर्ट्स थी, एक अर्चना की और एक रेनु की। रेनु? रेनु अर्चना की सहेली। और राहुल का ये कहना है कि मैंने पैसे खिलाकर ये रिपोर्ट्स बनवाई हैं। मैंने ये क्या? बर्दाश्त की हद होती है, हद होती है। उन्होंने बेवजह तुम्हें यहां पर रहने पर मजबूर कर दिया। मैं चुप रहा। उन्होंने तुम्हें तुम्हारे बच्चे प्रथम से मिलने नहीं दिया। मैं कुछ नहीं बोला। इस अर्चना की गलती के बावजूद उन्होंने मुझे दोषी ठहराया, तब भी मैं चुप रहा। और अब जब सारे सबूत सामने आ गए हैं, तब ये लोग मुझे जलील करना चाहते हैं। अब मैं ये सहन नहीं करूंगा। मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं बता दूंगा कि ये लड़की क्या है, क्या क्या किया है इसने। भैया कैसी रही? आ गया तुम्हारा भाई वापस? बहुत रोया होगा, गुस्सा हुआ होगा, अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रहा होगा। उसके जी में तो आ रहा होगा या तो किसी को मार डाले या खुद अपना सर फोड़ डाले। क्यों अर्चना? देखो तुम ये ठीक नहीं कर रही। अब जो भी मैं करूंगी ठीक ही करूंगी। देखना तुम दोनों भाई बहन, तुम्हें माफी मांगने पर और अपनी नाक रगड़ने पर मजबूर नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी अर्चना नहीं। अब तुम दोनों तड़पोगे, तुम अपने बच्चे के लिए और विश्वजीत अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए। लेकिन तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। सब सुन लिया। तुम परेशान मत हो। अब मैं उसे पढ़ पाऊंगा। हाँ, रोएगी वो सब कुछ जो वो हमारे साथ करना चाहती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.